फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाज वर्ल्ड। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हाउ टू ऑर्गेनाइज अ ड्रेसिंग टेबल। तो यह है मेरा ड्रेसिंग टेबल जो एक मिरर और 3 ड्रॉवर्स में डिवाइडेड है। ये मिरर जो है वो ओपन होता है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे शेल्फ बनवाए हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ये मिरर का डोर ओपन होते ही इसमें मैंने ऐसे शेल्फ बनवाए हैं। ये फर्स्ट शेल्फ में मैंने वेपराइजर रखे हैं, जो बच्चों को सर्दी खांसी होती है तो यूज होने वाली चीजें मैंने ऊपर रख दिए। ये नीचे का जो सेक्शन है उसमें मैंने मेरे डेली यूज के सनस्क्रीन हो गया, डिओ हो गया, पाउडर हो गया, वो यूज करती हूँ मैं। ये नीचे का है जो मेरे हस्बैंड का है, वो जो हेयर ऑयल यूज करते हैं, फेयरनेस क्रीम हो गया। यहाँ पे मेरा बॉडी लोशन हो गया। यहाँ पे एसी का रिमोट रखा है, वो जो समर में यूज होता है, लेकिन यहाँ वहाँ पड़ने की जगह मैंने यहाँ पे उसको प्रॉपरली रखा है। यहाँ पे पूरा दो जो सेक्शन है, यहाँ पे मैंने मेडिसिन्स रखे हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जो मेरे 9 मंथ्स की बेबी है उसकी पूरी दवाइयाँ यहाँ पे रखी है मैंने। विक्स वेपर हो गया, या फिर जो भी उसका पैरासीटामल है या फिर सर्दी की दवाई है, वो यहाँ पे मैंने रखी है प्रॉपरली। और यहाँ पे जो हमें इमरजेंसी में चाहिए, जैसे झंडुबाम हो गया, विक्स हो गया, मूव हो गया, वो प्रॉपरली मैंने यहाँ पे रखा है। जब भी ज़रूरत होती है मैं यहाँ से उठा के फिर वापस यहाँ पे आसानी से रख भी सकती हूँ। तो ये तो था ड्रेस मिरर का ऑर्गेनाइजेशन, मिरर के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन। अभी नीचे 3 जो ड्रॉवर्स मैंने बनवाए हैं उसको मैंने प्रॉपरली कैसे ऑर्गेनाइज किया है ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं ये फर्स्ट ड्रॉवर में मैंने क्या रखा है। ये फर्स्ट ड्रॉवर में मैंने रखा है मेकअप किट जो ट्रैवल में यूज़ होता है। यहाँ पे रखी है मैंने कंघी, जो कोम या फिर मेरे हेयर पिंस जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो रखी है। आसानी से मुझे मिल जाता है और मैं बाद में उसको वहाँ पे रख भी सकती हूँ। इस ड्रॉवर को मैंने कारपेंटर से ऐसे डिवाइडेड पार्ट्स में बनवा के लिया था। जो भी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग खरीदते हैं उसकी बजाय मैंने ऐसे उसको पार्टीशन में बनवाया है। तो यहाँ पर मैंने बिंदीज रखी है, यहाँ पर लिपस्टिक हो गया, मस्कारा हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर मेरा फाउंडेशन हो गया। यहाँ पे मैंने पूरे मेरे हेयर एक्सेसरी जो मैं फेस्टिवल में यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मेरे सारी पिंस हो गए, या फिर हम लोग महाराष्ट्रियन जो पाँव में पहनते हैं उसका मुझे बहुत शौक है, तो मैंने उसका एक कलेक्शन किया है और यहाँ पे रखा है मैंने वह प्रॉपरली। और इस ड्रॉवर को मैंने चूड़ियों के लिए बनवा के लिया था। अभी तो चूड़ियाँ बहुत कम दिख रही है क्योंकि बहुत सारी ख़राब हो गई थी तो मैंने वो फेंक दी है। और यहाँ पे जो भी चूड़ियाँ नई है मेरी वो यहाँ पे मैंने अरेंज की है। और इसमें जो पॉलिश की चूड़ियाँ है जो धूल से ख़राब हो सकती है उसको मैंने ऐसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो जो हरी चूड़ियाँ बहुत हम लोग महाराष्ट्रियन लोग पहनते हैं वो यहाँ पे रखी है। जब भी शादी होती है तो हम लोग यहाँ ये चूड़ियाँ ज़रूर पहनते हैं। और पीछे मैंने कॉटन रखा है, जो अब भी मैं क्लिनजिंग करती हूँ या फिर मेकअप रिमूवल करना होता है तो मुझे आसानी से मिल जाता है और मैं प्रॉपरली उसको यूज़ करके फिर से वापस यहाँ पे रख सकती हूँ। तो ये तो था दोस्तों ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।